हेलो गाइस, कैसे आप लोग? आशा करता हूं गाइस आप लोग बढ़िया होंगे। गाइस आज की वीडियो हम बात करेंगे, जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे इस तरह का फोटो कैसे एडिट करें। गाइस गाइस अगर आप भी चाहते हैं अपना फोटो एडिट करना तो जाइए मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए और मुझे अपनी पीसी दीजिए, मैं आपको फोटो एडिट करके दे दूंगा। गाइस गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे हिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गाइस मेरे हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मैं अगला वीडियो अपलोड करूंगा आप लोग देखने में आसानी होगा। गाइस चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस सबसे पहले हम अपना फोटो को शेयर करेंगे स्नैपचैट ऐप में। गाइस ठीक है, जिसमें जहाँ पर आपको ब्राइटनेस कम है जैसे कि वहाँ लाइट कम है उसको हम बढ़ाने के लिए। गाइस ठीक है, तो मैंने यहाँ शेयर कर लिया है, उसका टूल पर क्लिक करके सिलेक्टेड टूल का यूज़ करेंगे। उसके से गाइस यहाँ पर कुछ जहाँ देखेंगे ब्लैक पार्ट वहाँ पर इस तरह टूल करिएगा, फिर दोनों फिंगर से करिएगा छोटा और ब्राइटनेस बढ़ा लीजिए। ठीक है गाइस, जहाँ आपको ब्लैक पार्ट दिखेगा वहाँ का आप लोग ब्राइटनेस उसको बढ़ा लीजिएगा। ठीक है गाइस, मैं फिलहाल भी फटाफट ये ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ। गाइस आप लोग सभी जगह जहाँ जहाँ आपका ब्लैक रहेगा पार्ट वहां का ब्राइटनेस बढ़ा लीजिए। ठीक है गाइस, तो गाइस देख सकते हैं, मैं यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं यहाँ प्लस आइकॉन दिख रहा है, यहाँ से क्लिक कर हम पार्ट को व्हाइट कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइस हम देख सकते हैं आपका फोटो में ब्राइटनेस आ गई है। गाइस जहाँ ब्लैक पार्ट था वो व्हाइट हो गया। ठीक है, अब इसको हम शेयर करेंगे। ठीक है गाइस, तो अब इसको हम शेयर करेंगे अपने लाइटरूम ऐप में। गाइस ठीक है, फटाफट अपने लाइटरूम ऐप में शेयर कर लेते हैं फोटो को। गाइस देख सकते हैं हम लोग का लाइटरूम ऐप में आ गए हैं। ठीक है गाइस, तो अब गाइस सबसे पहले यहाँ पर हम अपने फोटो को ऑटो इफेक्ट देंगे। नीचे आप देख सकते हैं ऑटो इफेक्ट दे देंगे गाइस। फिर यहाँ देख सकते हैं लाइट हुआ, इस पर क्लिक करके जो ब्लैक है उसको हम कम कर लेंगे। ठीक है गाइस, तो थोड़ा हल्का सा एक्सपोजर बढ़ा लेंगे गाइस, अपने फोटो के हिसाब से एडजस्ट कराइएगा इसको, जैसे मैं कह रहा हूँ उसी तरह भी करिएगा, लेकिन गाइस अपने फोटो के हिसाब से एडजस्ट कराइएगा। ठीक है, तो गाइस सब लोग देख सकते हैं फटाफट मैं क्या क्या स्किन यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोग यही यूज करिएगा लेकिन अपने फोटो का हिसाब से उसको एडजस्ट कराइएगा। ठीक है गाइस, अब गाइस ये साइड वाला क्लिक करेंगे, उसके बाद गाइस यहाँ देख सकते हैं जिसका विग्नेट है इसको हम पूरा कम करेंगे। ठीक सकते हैं हम लोग उसका जो इसका टेक्सचर है इसको पूरा हम 100 करेंगे। ठीक है गाइस, जिससे हम लोग का जो फोटो में लाइटिंग आ जाएगी अच्छे से, जिसमें हेयर में लाइट आ जाता है। ठीक है, और जो क्लियरिटी इसको भी हम पूरा 100 कर लेंगे। ठीक है गाइस, अभी देख सकते हैं आप लोग फोटो में कितना क्लियरिटी आ गई गाइस, आप लोग देख सकते हैं। अभी आप लोग को फेस में देखने को मिल रहा है ब्लैक देखने को मिल रहा है गाइस, लेकिन उसको स्मूथ कर लेंगे आराम से। पहले इसको हम अपने हिसाब से एडजस्ट करते हैं। ठीक है विग्नेट, लेकिन जो इसका क्लियरिटी है उसको पूरा हम 100 रखेंगे। ठीक है गाइस, और फोटो को हम शेयर करके सेव करेंगे। ठीक है गाइस, अब इन फोटो का हम ले चलेंगे अब यहाँ पे ऑटोडेस्क ऐप में। ठीक है गाइस, तो गाइस ऑटोडेस्क में आने वाले यहाँ देखें तो ऊपर पेंसिल का आइकॉन, इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर ढेर सारे देखेंगे ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है टूल्स का ब्रश, तो आप यहाँ पे स्मूथ में जाइएगा और यहाँ पे ये वाला ब्रश चूज करिएगा। इसका सेटिंग देख लीजिएगा, इसका फ्लो मैंने 4 रखा है, स्ट्रेंथ 7 रखा है और इसका साइज अपने हिसाब से एडजस्ट करा सकते हैं। इसको से फोटो को अपने जूम कर लेना है गाइस, उसका से यहाँ पे हम ब्रश चलाएंगे हल्का हल्का, तब देखिए हम लोग का कितना अच्छे से स्किन स्मूथ हो रहा है। ठीक है आप लोग देख सकते हैं, आप इसका अपने हिसाब से ब्रश रखिएगा। ठीक है गाइस, तब हम फटाफट अपना ब्रश चला लेते हैं। ठीक है गाइस, गैस आप लोग इसको आराम से करिएगा। ठीक है ब्रश आराम से स्मूथ चलाइएगा गैस, अगर जल्दी जल्दी करेंगे तो हो नहीं पाएगा इसे। ठीक है गैस, तो गैस ये फोटो एडिट करने में ज़्यादा समय लगता है, आप लोग सोच सकते हैं आधा घंटा से ऊपर लगता है। गैस मैंने वीडियो फास्ट कर दिया है और बाकी जो पार्ट है उसको मैंने क्रॉप करिए। ठीक है गैस, तो आप लोग आराम से करिएगा, हो जाएगा फोटो अच्छे से गैस। ठीक है गैस, अगर आप लोग का नहीं आएगा मुझे दीजिएगा, आपको मैं फोटो एडिट कर दूंगा। ठीक है,
गाइस जैसे ही आपका फोटो ये स्मूथ हो जाएगा अच्छे से गाइस, उसका सब हम फोटो को फिर से शेयर करेंगे गाइस अपने स्नैपसीड ऐप में, ठीक है गाइस। तो यहाँ से मैं सेव कर लेता हूँ फोटो को अपने फटाफट पहले, उसके से यहाँ से मैं बैक चला जाता हूँ, ये फोटो सेव हो गया ठीक है गाइस, गैलरी में सेव हो गया है। मैं यहाँ से बैक जाता हूँ, उसके से गाइस मैं अपना जो स्नैपसीड ऐप है मैं उसे ओपन करता हूँ, ठीक है गाइस। गैस इसलिए मैं स्नैपसीड दोबारा ओपन कर रहा हूँ कि जैसे जो ब्राइटनेस कम बेसी रहेगा यहाँ से पूरा बराबर एडजस्ट हो जाएगा। फिर वही काम करेंगे सिलेक्टेड टूल यूज करके, देख सकते हैं जहाँ पर कुछ ब्लैक रह जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन यहाँ यूज कर लीजिएगा इस ब्रश को, इससे अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है गाइस। बस थोड़ा सा हल्का था उसको ब्राइटनेस बढ़ा लेंगे, ठीक है। फिर गाइस हम फोटो के सेव करके शेयर करेंगे, ठीक है गाइस, इतना काम बस करना था। अब गाइस अब जो फोटो शेयर करेंगे हम अपना फोटो शेयर करेंगे टूल भी जैप में गाइस, जहाँ से हम अपना हेयर को एडिट करेंगे, ठीक है गाइस। तो अभी हम लोग अपने फोटो के शेयर कर लेते हैं टूल भी जैप में। तो यहाँ पर देख सकते हैं इफेक्ट ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर सॉफ्ट स्मूथ पर क्लिक करेंगे, फिर गाइस देख सकते हैं यहाँ पर कई सारे इफेक्ट देखने के लिए मिलेंगे गाइस। लेकिन गाइस आप अपने हेयर के हिसाब से इसको एडजस्ट कराइएगा। तो मैं अपना देख लेता हूँ कौन अच्छा सा बैठ रहा है, 6 या 7 नंबर जो भी अच्छा लगेगा मैं उसे अप्लाई यहाँ पर करूँगा, ठीक है गाइस। तो पहले देख लेना कहाँ अच्छा एडजस्ट हो रहा है, उसके से आप इसको एडजस्ट कराइएगा। तो यहाँ मास्क पे क्लिक करना है, उसके से क्लीन कर लेना, फिर यहाँ पे हेयर पे इसको अप्लाई करना है, ठीक है गाइस। जैसे मैं अप्लाई कर रहा हूँ इसी तरह आप भी अपना अप्लाई करिएगा, ठीक है गाइस। यहाँ पर मैं फटाफट कर लेता हूँ, आप लोग देख लीजिए इसी तरह अपने हेयर पर अप्लाई करिएगा। गाइस अप्लाई हो जाने के बाद फिर से देख सकते हैं अभी डन हो जाएगा, फिर आप मैं यहाँ पे फिर डन करूँगा, उसके बाद फिर यहाँ पे यूज़ करूँगा सॉफ्ट स्मूथ। अब इसके बाद जो ब्रो आपका है उसको एडिट करेंगे, गाइस आपके दाढ़ी है तो उसको भी एडजस्ट इसको करा सकते हैं गाइस, ठीक है। वही काम करेंगे लेकिन इसका जो उसका जो मैंने साइज़ बताया था पहले आपने 6 पे किया था, अब इसको 2 या 3 पे करिएगा, ठीक है गाइस। तो अभी देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ब्रो पे सेट कर रहा हूँ, उसको देख सकते हैं अच्छे से लग रहा है गाइस, ठीक है। इतना करने के बाद फिर हम फोटो को सेव करेंगे, उसका सेव करके फिर हम जाएंगे अपने PCR टैप में, ठीक है गाइस। यहाँ से हम लोग जो आई लेंस रहेगा उसको लगाएंगे। तो मैं अपने फोटो के शेयर कर लेता हूँ गाइस अपने PCR टैप में। तो गाइस यहाँ पे हम लोग PCR टैप में आ चुके हैं, उसके बाद गाइस आप देख सकते हैं ब्यूटी पे क्लिक करिएगा, उसके से यहाँ से आप लोग आई पे क्लिक करिएगा जहाँ से हम लोग लेंस गए, ठीक है। ई कॉम आप देख सकते हैं, देख सकते हैं आप लोग जो भी अच्छा लेंस लगेगा उसको एडजस्ट कराइएगा। तो अभी हम फिलहाल देख सकते हैं हम लोग का ये जो लेंस है मैं चूज कर रहा हूँ कौन सा अच्छा लग रहा है, इसका जो ऑप्सिटी है उसको हल्का बढ़ा लीजिएगा, ठीक है गाइस। अपने आँख के हिसाब से उसको एडजस्ट कराइएगा, जो आपको परफेक्ट बैठेगा उसे हम अप्लाई कर लेंगे, ठीक है गाइस। तो गाइस अभी देख सकते हैं मैंने ये आई चूज कर लिया, ठीक है। इसको फोटो को जूम कर लेंगे, फिर जो लेंस रहेगा उस पर टैप करेंगे, उसके ऊपर देख रहा है आपको इरेज का ऑप्शन, इस पर टिक करके जो हल्का हल्का आप देख सकते हो ऊपर चढ़ गया उसको हम हल्का हल्का इरेज कर लेंगे ब्रश का साइज छोटा करके। जो साइड साइड का पार्ट दिख रहा पता चला अलग से लगाया गया है उसको हम साइड साइड से इरेज कर लेंगे, ठीक है गाइस। इसको बहुत ध्यान से करना पड़ेगा, आप लोग इसका अच्छे से एडजस्ट करा कर लीजिएगा, ठीक है गाइस। गाइस यही काम अब दूसरा आइस में करना है, इसको यहाँ पर जूम करेंगे, फिर यहाँ डन करके फिर यहाँ पर लेंस पर टिक करके इसको एडजस्ट कराएंगे अच्छे से, फिर वही काम करेंगे इरेज वाला काम।
इसको गाइस बहुत ध्यान से करना पड़ेगा, ठीक है। सब हम लोग का फोटो डन हो गया गाइस, फिर इसको हम डन कर लेंगे। तो गाइस आशा करता हूँ आप लोग वीडियो अच्छा आज का लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद गाइस।